सो हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं हूँ अपने गांव में, अपने बाड़ी पे हूँ। और यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे में काफ़ी हरा भरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मक्का वगैरह लगा हुआ है अभी हमारे बाड़ी में। और अभी मैं खड़ा हूँ, इधर कुछ झोपड़ी टाइप का बनाए हुए हैं धूप से बचने के लिए, तो उसी पे खड़ा हुआ हूँ। और अभी सुबह का बज रहा है, 7 बज रहा है करीबन। तो अभी जस्ट मैं खेत पे आ चुका हूँ, यानी कि अपने बाड़ी पे आ चुका हूँ। इधर मक्का वगैरह को देखना होता है, तो यहीं पे हूँ। अभी देख सकते हो काफ़ी हरा भरा है हमारे बाड़ी में। इधर कुछ कुछ सब्जियाँ भी लगा हुआ है, प्याज है और बैंगन भी है और भिंडी और बरबट्टी भी लगा हुआ है। तो उसी सभी चीज़ को देखना होता है, क्योंकि गैया गाय वगैरह मवेशी जो होते हैं, जंगली जानवर भी आ जाते हैं, बंदर वगैरह, तो उन सबको देखना होता है। इस वजह से एक आदमी को यहाँ पर डेली रहना होता है। तो अभी मैं आया हूँ, सुबह सुबह आ गया हूँ। तो अभी यहीं पर अभी थोड़ा देर रुकूँगा, उसके बाद जाएँगे। तो चलो आज की इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा घर था पीछे में, जहाँ पर हम अपने जो भी सामान वो रखते थे खेती वाला, वो घर टूट चुका है। आप लोग दिख रहा होगा पीछे में, क्योंकि जो यहाँ पर रहते वहते तो नहीं थे, बस यहाँ पर सामान वगैरह रखते थे। तो जो चूहा होता है, जंगली चूहा, और जो खेतों में रहता है वो चूहा, पूरा हमारे इस वाले घर को बर्बाद कर दिया। यानी कि पूरा छेद ही छेद रख के मसान बना दिया है, पूरा बिल ही बिल बना दिया है। इस वजह से ना पूरा दीवार पे ना वो क्रैक हो चुका है, मतलब पूरा ख़राब ही हो चुका है। दीवार दीवार पर जगह जगह छेद ही छेद करके रख दिए हैं। तो ऐसे में डर भी रहते हैं, जैसे कि सांप वगैरह अक्सर खेतों में घूमते रहते हैं, तो चूहों को ज़्यादा और ढूंढते रहते हैं। तो सांपों का मतलब रहने का डेरा वगैरह सब मिल जाता है उन लोगों को भी, और चूहा के चक्कर में वो लोग आ जाते हैं। तो उस वजह से इसको हमको तोड़ना पड़ा। और बाकी हमारे इधर आसपास पे बहुत सारा आम भी लगा हुआ है, मक्का में भी फल लग चुका है 2-4 दिन, और उसके बाद खाने लायक भी हो जाएगा मक्का भी। अब बाकी सब्जियां तो निकल ही रहे हैं, हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां, जैसे कि बरबट्टी हो गया, हरी रोज़ निकल जा रहे हैं खाने के लिए, और 2-4 किलो एक्स्ट्रा भी निकल जाते हैं, तो इधर आसपास के गांव वाले ले जाते हैं ख़रीद के, और भिंडियाँ भी निकल जाते हैं। वैसे तो वैसे हमको ख़रीदना ज़्यादातर पड़ता नहीं है, और अभी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, मतलब हमारे बाड़ी की हरी हरी सब्जियाँ। तो ये है, गाइस देख सकते हो यहाँ पर खाट भी रखा हुआ है, देख सकते हो नीचे में, और मच्छरदानी भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रात में सोना भी पड़ता है। तो पापा जी यहाँ पर आके सोते हैं, क्योंकि रात में गाय मवेशी यहाँ पर आते हैं ना, और चारों तरफ ऐसे बाउंड्री वाल तार से घेरा तो लगा दिए हैं, फिर भी से गाय मवेशी जो है इनको नहीं डरते और अंदर घुस जाते हैं और फसल को पूरा बर्बाद करते हैं। इस वजह से रात को यहाँ पर रुकना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर पापा जी मच्छरदानी वगैरह लगा के रखे हुए हैं, यहाँ पर खाट भी लगा के रखे हुए हैं। तो अभी उसी खाट पे मैं बैठा हूँ, और ऊपर में पूरा छप्पर बना दिए हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हो, और नीचे में कुछ इस तरह से बना दिए हैं, मचान टाइप का है, थोड़ा हाइटेड बना दिए, जैसे जंगल में वो नहीं रहता है वॉच टावर, वैसे टाइप के यहाँ छोटा सा बना दिए मचान टाइप का, ये देख सकते हो ये। और नीचे में बड़े बड़े लकड़ी से ऐसे चारों तरफ करके लगा दिया है, और यहाँ पर खाट भी लगा दिया है, आराम से यहाँ पर सो भी सकते हैं रात में, और पापा जी सोते भी हैं, मच्छरदानी भी लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर आके पूरा आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो, सभी तरफ ऊंचाई से अच्छा दिख रहा है काफ़ी, आप देख सकते हो सभी तरफ का व्यू अच्छा आ रहा है यहाँ से, इस तरह से। नीचे उतरने और चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ी भी लगा हुआ है, देख सकते हो, ये सीढ़ी लकड़ी का बना हुआ है, तो जिस तरह से बनाया हुआ है पापा जी ने, तो इसी सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं और ऊपर चढ़ते हैं इधर,
और इधर पूरा खाट वगैरह रखे हुए हैं, कपड़ा वगैरह, और ये मच्छरदानी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। नीचे में कुछ सामान वगैरह रखे हुए हैं, पूरा पाल वगैरह ऊपर में ढकना होता है, बारिश वगैरह होता है तो ढकने के लिए रखे हुए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, देसी जुगाड़ है। ऊपर में कुछ इस तरह से छप्पर वगैरह को ढक दिए हैं, तो इस तरह से भी बनाए हुए हैं। और यह हमारा छोटा सा बाड़ी का कुछ इस तरह से व्यू है, और इधर छोटा सा हम लोगों का देख सकते हो बगान टाइप का है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, पापा जी आ चुका है, तो सुबह से चाय वगैरह नहीं पिया हूँ, चाय वगैरह पी के फिर आऊँगा, फिर बाद में जाना पड़ेगा मेरे को, तो चलते हैं घर की ओर। सो फाइनली गाइस अपना चाय आ चुका है, और इधर है बिस्किट, तो ये है अपना चाय और बिस्किट, खाते हैं फटाफट, पीते हैं चाय, उसके बाद फिर से जाना होगा मेरे को बाड़ी की ओर। गाइस अभी मैं फिर से चाय पी के खेत पे आ चुका हूँ, यानी कि बाड़ी पे, और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना आम का फल। जो हमारे आम का पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है, तो दिखाता हूँ अभी मैं आप लोगों को, तो चलो चलते हैं आम के पेड़ के नीचे। तो ये है गाइस हम लोगों का आम का पेड़, तो देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है हमारा आम, और नीचे से ऊपर तक पूरा फल लगा हुआ है, कुछ इस तरह से अभी साइज में है, और देख सकते हो नीचे से सीधा ऊपर तक फल लगा हुआ है कुछ इस तरह से, ये चारों तरफ। तो हम लोगों को खाने के लिए पर्याप्त आम मिल जाता है, अभी ये पकने के लिए तैयार नहीं है, कुछ अभी लेट है, उसके बाद इसको पकाना पड़ता है। ये है मक्का, इसका मूँछ है मक्का का, इसका दाढ़ी है, इसका मूँछ है, कुछ इस तरह से सभी मक्के में निकल चुका है उसका दाढ़ी मूँछ, इधर भी देख सकते हो, अब इसमें दाना अभी बिल्कुल भी नहीं है, बट इसका दाढ़ी मूँछ आ चुका है कुछ इस तरह से। इधर है बरबट्टी, ये देखो हरी हरी ताज़ी ताज़ी बरबट्टियाँ कुछ इस तरह से है, और उधर आगे में और है, कल परसों तोड़े हैं, इस वजह से अभी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, दो तीन दिन के अंदर लगभग निकलता रहता है, तोड़ना ही पड़ता है, तो ऐसा कुछ है। तो अभी मैं फिर से ऊपर आ चुका हूँ, और खाट में बैठा हूँ अभी मैं, और सुबह से ही तेज़ धूप लगना स्टार्ट हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम तक धूप में रहना अच्छा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा धूप में मैं रह नहीं सकता, तो अभी छाए में यहाँ पर बैठा हूँ, आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, फिर कुछ काम करेंगे। A few moments later. तो गाइस अभी मैं नहा के घर पे आ चुका हूँ, और खाना भी खा लिया हूँ, और घर वाले सभी लगे हुए हैं अपने अपने कामों में, और अभी मैं घर में अकेला हूँ, देख सकते हो कोई नहीं है, सब अपने कामों में लगे हुए हैं, तो थोड़ी देर हम भी कुछ काम में हाथ बटा देते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाएगा हमारा काम। Three hours later. Hey guys, good evening. अभी शाम के बज रहे हैं 4, और मैं अभी बाड़ी पे हूँ, और यहाँ पर खड़ा हूँ अभी मचान पे, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है गाइस, इस वजह से मैं इनर बस पहना हूँ, शर्ट वगैरह या टी शर्ट नहीं पहना हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रहा है आज। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ घर से, और घर वाले अभी काम पे लगे हुए हैं, घर में कुछ काम है उन लोगों का, और मेरे को यहाँ पर भेज दिया है देख रेख करने के लिए, तो दे थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद शाम हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, फिर घर को चलेंगे। और अभी यहाँ पर मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, तो कुछ इस तरह से व्यू है अभी यहाँ का, कुछ इस तरह से सीन है, इधर चारों तरफ आसपास का सीन कुछ इस तरह से है, आप लोग देख लीजिए,
A few moments later. तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ गाइस, और अभी शाम के बज रहे हैं, तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है हमारा आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इसी प्रकार के करना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।